Morning children, welcome to class 7th. In previous topic, we read lesson 2, Nutrition in Animals. Today I will teach you chapter 3, Fiber to Fabric. यानी रेशे से कैसे हम फैब्रिक बनाते हैं. फाइबर मीन्स रेशे, तंतु जिसको हम बोलते हैं. फैब्रिक यानी कपड़े. इन क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from plants. 6th class में जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे fibers जो हमको plants से प्राप्त होते हैं मिलते हैं. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. और जैसे wool और silk है वो हमको animals से मिलता है. Wool is obtained from flea hair of sheep or yak. हमको वूल जो है वो शिप से भी मिलता है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क फाइबर्स हमको सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी ईल्ड्स फाइबर्स. क्या ये आप बता सकते हैं कि शिप के उससे जो फाइबर्स हमको मिलता है वो किस पार्ट से हमको मिलता है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इन टू वूल एंड यार्न that we buy from the market to knit sweaters. और फिर उसी fibers को कैसे हम wool में change करते हैं, ऊन में कैसे change करते हैं. जो हमको बाज़ारों में market में जो sweater मिलता है वो ऊन से बुना होता है ना, तो इन रेशों से कैसे ऊन बनता है और कैसे ऊन ये हमको market में कैसे मिलता है, ये कैसे बनता है. Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? क्या कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर से सिल्क से हम सिल्क फाइबर्स कैसे बनाते हैं जो साड़ी में बुने जाती है, जिससे साड़ी बुनी जाती है सिल्क फाइबर से ना. In this chapter we shall try to find answer to these question. इस chapter में हम ये सारे questions के answers को देखेंगे. एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. एनिमल फाइबर मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमको एनिमल से मिलते हैं, वूल और सिल्क. फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट वूल. वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. Air is poor conductor of heat as you would learn in chapter 4. So hair keep these animal warm. Wool is derived from these hairy fibers. Wool humko kahan se milta hai? Sheep se, goat, yak and some other animals. Ye jo wool yielding animals hote hain unke body pe bahut bade hair hote hain jo ki animals इनके ऊपर जो होती है थिक कोट, मतलब हेयर की एक थिक कोट होती है जो वायु को, हवा को अपने अंदर भर लेते हैं. जैसे हवा इसकी बैड कंडक्टर होती है हीट की, सॉरी पुअर कंडक्टर होती है एज़ यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. जैसा कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. हेयर जितने बड़े होंगे वो एनिमल को उतना वार्म करेंगे. वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. वूल जो है हमको इसी हेयरी फाइबर से मिलता है. एक्टिविटी 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. अगर हम अपनी बॉडी पर या शोल्डर या आर्म्स में जो भी बाल होते हैं या अपने हेड पर, उसको हम फील करेंगे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. क्या हमें कोई डिफरेंस पता चलेगा. विच वन सीम्स कर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट. तो हम ये देखते हैं कि कुछ तो हमें कर्स टाइप यानी कड़े हुए दिखेंगे और कुछ हमें बहुत ही सॉफ्ट हेयर लगेंगे. लाइक अस हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट फ्ली. हमारी तरह शिप में भी टू टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं. द कर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन.
एक जो होते हैं वो कड़े बाल होते हैं और एक जो होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर होते हैं जो कि स्किन से सटे हुए। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उन्हीं से हम वूल को बनाते हैं। सम ब्रीड ऑफ शिप पॉसेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। जो जिनसे हमको ऊन बनाना होता है हम ऐसी शिप की नस्लों को लेते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। हम ऐसी ही शिप को ढूंढेंगे, ऐसी ही शिप के पेरेंट्स को जो हमें कैसी शिप दें जिसमें सॉफ्ट हेयर होते हों। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हम ऐसे ही पेरेंट्स को मिलवाते हैं जिनसे हमको एक ऐसी शिप मिले जिसमें सॉफ्ट हेयर हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके चिल्ड्रंस, सेकेंड हेडिंग है एनिमल्स दैट यील्ड वूल। ऐसे एनिमल्स जो वूल को पैदा करते हैं, यील्ड करते हैं। सेवरल ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग शिप की ब्रीड होती है जो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लो शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। तो वूल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। क्या होता है कि जो शिप की मतलब ऊन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऊन का ही सोर्स हो, लेकिन जो शिप की ऊन शिप से जो ऊन हमको मिलते हैं वही हमको मार्केट में दिखते हैं। ठीक है, मतलब शिप से जो ऊन बनाए जाते हैं वही हमको मार्केट में वही ऊन मिलते हैं। या वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक की जो वूल होती है वो तिब्बत और लद्दाख के लिए फेमस है। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहेर मीन्स होता है अंगोरा ऊन। ठीक है, मोहेर मीन्स होता है अंगोरा ऊन जो कि अंगोरा गोट से हमको मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन्स, जो कि कहाँ ऐसी गोट पाई जाती, हिली रीजन्स में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। वूल जो होता है हमको गोट हेयर से भी मिलता है। ओके, अभी हम शिप हेयर के अभी हम शिप शीप की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें गोट के हेयर से भी वूल मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो एक गोट होती है कश्मीरी गोट, जिसके जो फर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवेन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, जिससे बहुत ही सॉफ्ट शॉल बनाई जाती है जिसको पश्मीना शॉल्स हम कहते हैं। ठीक है, इनके फर से, कश्मीरी गोट से। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। कैमल्स की बॉडी पे भी जो वूल होते हैं, जो फर होते हैं उनसे भी वूल बनाए जाते हैं। लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ये वूल। लामा और एल्पाका एक ऐसे एनिमल हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनके फर से भी हमको वूल मिलता है। एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। हमको कुछ ऐसे एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट करना है जिनसे जिनके हेयर से हम वूल को बनाते हैं। उसको हम अपनी एक स्क्रैप बुक पर स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे। और अगर ये बुक ये पिक्चर्स हमको एनिमल्स की नहीं मिलती है तो हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी बुक से देखकर। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप गोट कैमल एंड यॉक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। फिर जो शिप गोट कैमल एंड यॉक की जो हमारी लैंग्वेज में जो नेम्स होते हैं, जो वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, और जो अदर कंट्री में उनको जिस लैंग्वेज में जो नाम पुकारा जाता है उसको हम लिखेंगे।
एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हम इंडिया और पूरे वर्ल्ड के एक मैप को लेंगे। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल। हम ऐसी जगह को मार्क करेंगे जहाँ पर एनिमल हमको वूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशंस फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। फिर हम वहाँ पर अलग अलग कलर यूज़ करेंगे कि यहाँ के एनिमल्स से हमको कौन सी वूल मिलती है, ठीक है। ओके चिल्ड्रंस, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।